में 9 विभिन्न बैंक यूनियनों के एकजुट संगठन द यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी कि USBU ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण तथा पीछे ले जाने वाले बैंकिंग सुधारकों के खिलाफ 15 तथा 16 मार्च को 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में 10 लाख से अधिक बैंक कर्मी तथा अधिकारी शामिल हैं। USBU द्वारा आहत की गई इस हड़ताल में बैंक यूनियनों, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फाउंडेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के सदस्य शामिल होंगे। इस हड़ताल के चलते बैंकों की शाखाओं में जमा निकासी, चेक क्लियरेंस तथा लोन अपूर्व पद सेवाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। हालांकि ATM सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक 13 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार था, 14 तारीख को रविवार था यानी कि संडे, जिसकी वजह से नियमित बैंकिंग सेवाएं इस हड़ताल के चलते अब लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट घोषणाओं के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। विनिवेश के इस कदम से सरकार का इरादा 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का है। इसी घोषणा के विरुद्ध यह हड़ताल चल रही है। बैंक यूनियनों के अलावा 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां की यूनियन 17 मार्च को हड़ताल में शामिल होंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की सभी यूनियन 18 मार्च को हड़ताल पर रहेंगी। बीमा कंपनियों की यूनियनों के सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल चल रही है। खैर, आपकी इन हड़तालों के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलें, और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।